Dear student, good morning to all. Today I am going to explain you our new topic. The topic name is determination. In the last video, we were discussing about the degree of freedom, monoatomic gas, diatomic gas, and triatomic gas. In triatomic gas, linear and nonlinear. What in this video, we will discuss degree of freedom for polyatomic gas. Suppose that we have the n number of polyatomic gas. Gas for polyatomic gas, the kinetic energy, internal kinetic energy, the internal kinetic energy of one mole of gas and half kVt or into इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, तो k इक्वल फॉर्मूला होता है एन ए, यहां ही एडजस्ट कर देते हैं हम, तो इसे लिख देंगे एन अपॉन टू टी और के बी एन ए. ठीक है, तो के बी एन ए इक्वल होता है हाफ. क्या होगा, यहां से लिख लेते हैं एन के इक्वल एन हो जाएगा ये n upon 2 r t. ठीक है, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मींस हमें u फाइंड आउट किया है, ये क्या आ गया हमारे पास e. ठीक, तो u आ गया. अब हम निकालेंगे cv, मतलब स्पेसिफिकली एट कांस्टेंट वॉल्यूम cv. cv इक्वल होता है du ओवर dt, तो d ओवर dt और u की वैल्यू पुट कर देंगे m by 2 r t, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ एन आर. तो सीबी की वैल्यू आ गई. इसी से हम सीपी निकाल लेंगे. सीपी इक्वल क्या होता है, ठीक है, सीपी इक्वल होगा जैसे हमारे पास फार्मूला होता है नियर फार्मूला सीपी माइनस सीबी इक्वल आर. यहीं से हम अगर हम देखें सीपी, सीपी इक्वल हो जाएगा सीबी प्लस आर. अब हमारे पास सीबी कितना, वैल्यू ऑफ सीबी हाफ एन आर प्लस आर. अगर हम कॉमन ले लें आर तो क्या हो जाएगा एन बाई टू प्लस वन. ठीक है, अब हमें निकालना है गामा. ठीक है, तो गामा इक्वल क्या होता है सीपी ओवर सीबी. सीपी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, सीपी की वैल्यू क्या है आर एन बाई टू प्लस वन और सीबी की वैल्यू क्या है हाफ एन आर. इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया हमारे पास एम वाई टू प्लस वन. ठीक है, और नीचे रह गया हमारे पास एम वाई टू. ठीक, इसे लिख सकते हैं हम टू अपॉन एन एम वाई टू प्लस वन. तो ये मेनली क्या आ जाएगा, मेनली ये आएगा आपके पास ये टू से टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रहेगा वन प्लस टू अपॉन एन. तो गामा इक्वल क्या आ गया, गामा इक्वल मेनली आ गया, यहां लिख देता हूं गामा इक्वल आ गया वन प्लस टू ओवर एन. ओके, यहां आपने देखा हुआ ये फार्मूला है आर गैस कांस्टेंट है तो के इक्वल क्या होता है आर ओवर एन ए. के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, एन क्या है एवोगाड्रो नंबर है. ओके, नाउ थैंक्स.